नमस्कार, आप सभी का हमारे ड्रीम चैनल में एक बार पुनः फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए सपनों की दुनिया के बारे में नई नई जानकारियाँ लेकर के आते हैं। और सपने यूं ही नहीं आते, उनकी भी एक दुनिया है और वो हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से हमें सूचना देते हैं। तो क्या आप सभी जानते हैं कि सपने में कोई पक्षी देखते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, और अच्छे बुरे संकेत दोनों हो सकते हैं सपने देखने का। तो आज हम बताएंगे कि सपने में अगर आपने चिड़िया देखा तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो अगर आपने रात में सपने में चिड़िया देखा तो समझिए कि आपके घर में कोई नया मेहमान दस्तक देने वाला है। तो अच्छे से अपने घर की व्यवस्था करके रखिए अपने घर में, जिससे आने के साथ ही घर में कोई खुशी भी आ सकती है। इसके साथ इसका एक और संयोग भी बनता है, यह संयोग है कि आप कहीं यात्रा पर, अच्छी यात्रा पर जा सकते हैं। वो आपकी यात्रा शुभ भी हो सकती है, जो बेहद सुखद देने वाली होगी। वहीं अगर आप चिड़िया का चहचहाना देखते हैं तो ये अशुभ माना गया है। इसका मतलब आपके परिवार में जल्द ही किसी की मृत्यु होने वाली है, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। अगर सपने में आपने गिद्ध देखा है तो ये एक अशुभ स्वप्न है, लेकिन अगर आप गिद्ध को झपट कर कुछ ले जाते हुए देखते हैं तो यह कहीं से आकस्मिक धन आने का सूचना देने वाला है। इतना ही नहीं, यह धन असीमित मात्रा में आएगा। वहीं गिद्ध लाश पर बैठा दिखाई दे तो समझना कि आपकी आयु लंबी हो रही है। इस प्रकार का स्वप्न आपके धन और आयु दोनों में ही वृद्धि करता है। अगर कहीं आपने सपने में कबूतर देखा है तो ये शुभ स्वप्न माना जाता है। अगर सपने में आवाज़ करते हुए दिखाई दे तो ये आपके घर में किसी मेहमान के आने का संकेत भी है, जिसके आने से आपके यहाँ खुशियों का एक अलग ही माहौल होगा। वहीं कबूतर अगर मौन बैठा हुआ, कुछ बोल नहीं रहा है, या किसी से लड़ाई झगड़ा होने का संकेत है। और कबूतर को अगर सपने आपने देखा है कि वो जोड़े सही दिखाई दे रहा है तो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सुख आने वाला है। और अगर सपने में आपने उल्लू देखा है तो ये धन आने का सूचक माना जाता है। कुछ लोग इसे धननाशक भी मानते हैं, इसलिए आप उल्लू को किस अवस्था में देखते हैं आपके लिए जानना जरूरी है। और सपने में अगर कौवा देखा है तो सपने में कौवा देखना है, उसकी आवाज़ सुनने का मतलब एक ही है। स्वप्न के अनुसार जल्द ही आपके घर में कोई अच्छा सा मेहमान, जो बड़ा आप लोगों को का हितैषी है, सुख चाहता है। लेकिन अगर आप सपने में बहुत सारे कौवे देख रहे हैं तो भोजन पर टूट रहे हैं अगर वो, तो ये अशुभ स्वप्न है और जल्द ही आपके घर में किसी की मृत्यु हो सकती है। तो ये रहा सपने में पक्षियों को देखने का शुभ परिणाम। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।